हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और किसी भी तरीके से लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स और समस्याएं नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसा कि इन्फो में रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और हम लोग इसमें कम्बस्टन्स, फ्लेम के टाइप्स वगैरह कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं और आज हम उससे थोड़ा सा और कंटिन्यू आगे करते हैं। आज हम फ्यूल के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। फ्लेम पढ़ लिया, कम्बशन पढ़ लिया, आज हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अभी रीडिंग में और आप लोग बच्चों पेज नंबर 72 ओपन करिए। पेज नंबर 72, ठीक है, गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर 72। और यहाँ पर ऊपर एक टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज ए फ्यूल, ईंधन क्या है। बच्चों समझे, व्हाट इज ए फ्यूल, ईंधन क्या है। रिकॉल, आइए समझिए ध्यान से और लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो लिखा करें, ठीक है बच्चों। रिकॉल दैट द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। जैसे कि आप याद करिए, हमने कुछ एनर्जी के सोर्सेज जो कि डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल, उन सभी के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने वुड, लकड़ी की बात करी, चारकोल, कोयले की बात करी, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है, फ्यूल ही तो हैं। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, दिस सबस्टांस आर कॉल्ड फ्यूल्स। इन सभी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईंधन बोलते हैं। ए गुड फ्यूल, अब ये बताइए, ईंधन तो हम सबको ही बोल, लेकिन अच्छा फ्यूल क्या होता है, अच्छे ईंधन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ए गुड फ्यूल इज वन विच इन रेडली अवेलेबल, एक तो सबसे पहले अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है, तुरंत मिल जाए, ये नहीं अच्छा ईंधन है लेकिन हमें मिले ही नहीं, हर जगह अवेलेबल ना हो पाए, सबसे पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए। सेकेंड, इट इज चीप, बहुत सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और तीसरी बात, तुरंत जल जाए, ये नहीं अब गीली लकड़ी जला रहो, कोयले जला लो, गीली कोयले, तो एक बहुत टाइम लगता है उनको जलने में और गैस तुरंत जल जाती है, तो जल्दी जल जाए, आसानी से सब जगह मिल जाए हमें और सस्ता भी हो, ये गुड फ्यूल की कैटेगरी में हम लोग मानते हैं। मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और चौथी बात, जलने पर अधिक मात्रा में वो ऊष्मा भी दे, ये नहीं सिर्फ जले जले और ऊष्मा, हीट कम हो, हीट इफिशेंसी उसकी कम हो, गैस गैस में इतनी सी गैस निकलती है तुरंत खाने को गर्म कर देता है वो, तो उसकी हीट इफिशेंसी कितनी ज्यादा है देखिए आप लोग। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और जलने के बाद उसमें राख ना बचे। चूल्हे वगैरह में हम खाना बनाते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो केरोसिन पे खाना बनाते हैं, केरोसिन पे काला हो जाता है, धुआं धुआं निकलता है, और लकड़ी या कोयले पे खाना बनाते हैं तो राख बचती है, तो हीट भी कम, धुआं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और लास्ट में राख, अनडिजायरेबल सब्सटेंस बच रहा है, तो ये गुड फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरी तरफ हम LPG गैस की बात करें तो गुड फ्यूल की कैटेगरी में आता है। तो अंडरलाइन करिएगा, देयर इज ए प्रोबेबली नो फ्यूल डैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, तो इस प्रकार का कोई आइडियल फ्यूल होता ही नहीं है। ये जो विशेषताएं मैंने अभी 4 पॉइंट बताए आपको, ये एक आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टीज होती है। किसकी बच्चों? आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टीज होती है आदर्श ईंधन की। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज। फ्यूल्स डिफर इन दियर कॉस्ट, सम फ्यूल्स एंड चीपर देन अदर्स। देखिए, डिपेंड ये करता है कि हमें फुलफिल कैसे मिल रहा है, ईंधन कैसे हमें मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, कौन सा ईंधन कितना महंगा है, कौन सा कितना सस्ता है, इस पर भी डिपेंड करता है। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलर टू यू, ग्रुप देम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल इन टेबल 6.3। टेबल 6.3 में आप 3 टाइप्स होते हैं फ्यूल के, आप जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की लिस्ट बनाइए, आपके पास जो जो आप जानते हो उसकी टेबल बनाइए आप लोग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फ्यूल इफिशेंसी, ईंधन क्षमता। सपोज यू वेयर आस्क टू बॉइल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड LPG एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? गिव योर रीजन, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट?
अब तीन तरह के फ्यूल, काउडंग जो गाय के गोबर के उपले वगैरह बनते हैं वो लीजिए, कोयला लीजिए और एलपीजी, तीनों को अलग अलग जलाइए आप, ठीक है। और तीनों के हीट का आप कंपेयर करिए, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो इसमें, आप कोई आप लोग हो सकता है रिस्क रहता है इसमें, तो आप पेरेंट्स की हेल्प लीजिए और पता लगेगा क्या सब में सेम अमाउंट हीट आ रहा है, क्या सब में बराबर मात्रा में हीट आ रहा है क्या। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अंडरलाइन करिएगा, 1 किलोग्राम ईंधन को, मेरी बात समझिएगा, 1 किलोग्राम 1 kg किसी भी ईंधन को जलाने पर कंप्लीट, उसको पूरा जला दिया हमने, कंप्लीट कंबस्टन, मेरी बात समझिएगा, 1 किलोग्राम फ्यूल कंप्लीट कंबस्टन, देखिएगा 1 kg फ्यूल कंप्लीट कंबस्टन कर रहे हैं, पूरा जला रहे हैं, जलाने पर जो हीट निकलेगी, जलाने पर बेटा जो हीट निकलेगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। जलाने पर जो हीट निकलेगी बच्चों वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आ चुका है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों इसकी जो यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ये इसकी क्या होती है बच्चों? यूनिट होती है किसकी? कैलोरीफिक वैल्यू की। किलो जूल पर केजी, 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी निकल रही है उसको किलो जूल पर केजी से हम लिखते हैं, केजी, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं चाहो तो आप लोग, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन, नीचे कुछ फ्यूल्स है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको दी गई है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। काउडंग का कितना होता है देखिए, सबसे ज़्यादा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा ही हीट देगा बच्चों। तो आप देख सकते हो CNG LPG की कितनी ज़्यादा होती है, हालांकि बायोगैस की भी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, और काउडंग के यानी गोबर वगैरह जो उपले वगैरह बनते हैं उसकी कितनी कम होती है, लकड़ी की और भी उससे थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको बताया गया है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मफुल जानेंगे, कोई फ्यूल जलता है उसका हार्मफुल क्या है हमारे वगैरह वगैरह, और भी टॉपिक्स को हम चर्चा करेंगे। बच्चों एक बात और, जब भी आप लेक्चर्स को अटेंड करते हो अच्छी तरीके से मन से अटेंड करें, और कोशिश ये करें कि हम लोग लेक्चर्स को समझ पाएँ, यानी हम सिर्फ हम पढ़ रहे हैं समझ में आ नहीं रहा कुछ भी, लेक्चर्स को समझे भी, इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन भी करें और मन लगा के पढ़ें बच्चों। और जब भी लेक्चर देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session।